हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अभय। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड इंग्लिश विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 5। द नेम इज द येलो बटरफ्लाई। चैप्टर का नाम है द येलो बटरफ्लाई। तो एक बार चलिए इस चैप्टर को या इस कहानी को, ये एक कहानी है, इसे हम थारो रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड द सोनू'स गार्डन। फ्लू जो वर्ड है वो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, वो अक्सर ज़्यादातर क्या, मोस्टली सभी कहानियाँ जो हैं कि वो पास्ट में ही होती हैं। तो ये कहानी भी पास्ट में है, और पास्ट में जब कोई भी चीज़ होगी तो उसमें ज़्यादातर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के यूज़ होते हैं, और उसी तरह इसमें जो है कि ज़्यादातर यूजेज आपको सेकेंड फॉर्म के ही मिलेंगे। तो इसलिए हम बताते चलेंगे आपको। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। सी का सा, रन का रैन, ये है। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट, सिट का सेट, ऑन द रेड रोज। Now I can catch it, said Sonu. Say ka said. He walked slowly and silently. Walk se bana hai, walked. To catch the butterfly, he came closer and still closer. But then, come se bana hai, came. बट देन ऑफ फ्लीव द बटरफ्लाई, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, और ये जो है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी है। ये सारी चीज़ें ग्रामर में जब पढ़ा, ग्रामर का जब सीजन स्टार्ट होगा सीजन, तो उसमें जो है कि हम बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, बस ये देख लेते हैं कि कौन से सेकेंड फॉर्म है, किससे बने हुए हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे बताने की आपको, जितने भी होंगे इसमें। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नियर द गार्डन वाज ए पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। इन द पॉन्ड वाज अ वाइट लोटस। अराउंड इट ग्रो से ग्रीव बना है। राउंड लीव्स दे फ्लोटेड, फ्लोट से बना है फ्लोटेड, फ्लोट मतलब तैरना होता है, इन द वाटर। द बटरफ्लाई सेल्ड, सेल से बना है सेल्ड, सेल की मीनिंग होती है खेना, जैसे मछुआरे लोग नाव में बैठ के नाव को खेते हैं, ऐसे ही उसी को सेल बोलते हैं। जो देखते होंगे आप कि नाव में बैठ के एक लकड़ी लेके उसको गोल गोल घुमाते हैं, या जो है कि लकड़ी से पानी को हटाते हैं एक तरफ, तो नाव उसी ओर जाती है जिधर से हटाया जाता है, तो उसी को सेल बोलते हैं। ऑन द फ्लोटिंग लीफ सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वाटर। गो से ये वेंट बना है। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप, लुक से लुक्ड बना हुआ है ये वर्ड। ही लुक्ड डाउन, नियर द वॉल वॉज ए पीच ट्री। पीच मतलब होता है आड़ू, ये एक पौधे का, एक पेड़ का नाम है आड़ू। आई हैड पिंक फ्लावर, इट जो पीच का पेड़ है उसको, उसके लिए ये यूज हुआ है इट। उस पर जो है क्या है, पिंक फ्लावर्स है। द बटरफ्लाई सिट से सेट बना है, ऑन द प्रीटी फ्लावर्स। इट आई कैन कैच यू, shouted Sonu. He climbed up the tree. Up he climbed. Climb से बना है climbed. Climb का मतलब होता है चढ़ना. But back it flew down from the tree. Sonu jumped से jumped बना है down to. He chased मतलब chase से बना है. Chase मतलब होता है पीछा करना. तो chased मतलब पीछा किया the butterfly. From the rose
टू द लोटस एंड ऑफ द पीच ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। देर वॉज ए बिग स्पाइडर, स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, द बटरफ्लाई वॉज कॉच इन द स्पाइडर्स वेब। कैच से कॉच बना है, ठीक है, ये कैच से कॉच बना है। इट लुक्ड सैड, लुक से लुक्ड, एज इट ट्राई से ट्राइड बना है, टू स्केप। इट फ्लटर्ड, फ्लटर से फ्लटर्ड बना है। इट्स विंग, इट ट्विस्टेड, ट्विस्ट से ट्विस्टेड बना है, एंड टर्न्ड, टर्न से टर्न्ड बना है। बट इट कुड नॉट एस्केप द स्पाइडर वेब, हेल्ड इट टाइट, होल्ड से ये हेल्ड बना है। पुअर बटरफ्लाई, इन द मिडिल ऑफ द वेब वॉज ए बिग स्पाइडर, इट लुक्ड हंग्री, इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड, क्रॉल से क्रॉल्ड बना है, द ब्लैक स्पाइडर। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कैच द बटरफ्लाई, इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। सोनू लव्ड, लव से लव्ड बना है, द लिटिल बटरफ्लाई। बट इट लुक्ड, लुक से लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, वांट से वांटेड, वांट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड मतलब चाहता था या चाहा। गो सेड सोनू, फ्लाई अवे, ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सैट ऑन द रेड रोज, ये सीट से सैट बना है। इट फ्लू टू द स्पीच, टू द पीच ट्री, देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, इट फ्लो मेरेली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। नीलिमा सिन्हा, इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है नीलिमा सिन्हा। नी वर्ड्स हैं स्केप, पॉन्ड, पीच, क्लाइम, कैच, मिडिल, हंग्री, फ्लॉट, साउट, चेज, फ्लटर, ट्विस्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और थोड़ी स्पीड तेज करके देखते हैं, क्योंकि उस बार पढ़ना था तो हमने सोचा ऐसा पढ़ा जाए ताकि समझ में आए। तो द येलो बटरफ्लाई, पीली तितली, ए येलो बटरफ्लाई फ्लिव अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक जो है पीले रंग की तितली थी, वो क्या करती थी, सोनू के गार्डन के, जो सोनू का गार्डन था उसके चारों तरफ क्या करती थी, उड़ती थी। सोनू साव द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा, उस तितली को सोनू ने देखा। ही रैन टू कैच इट, वो दौड़ा, कि क्यों दौड़ा, टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए, उस तितली को पकड़ने के लिए सोनू दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, लेकिन क्या हुआ, जो बटरफ्लाई थी तितली वो क्या हुई, उड़ गई, टू द रोज बेड, कहाँ चली गई, रोज बेड पे चली गई, जो रोज बेड का मतलब होता है गुलाब की क्यारी जो होती है वो वहाँ चली गई। इट सेट ऑन रेड रोज, और वो क्या की, एक रेड लाल रंग के गुलाब पे बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, तो सोनू बोलता है कि नाउ, अब आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ।
ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली, वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, स्लोली धीरे धीरे चलता है, एंड साइलेंटली और शांतिपूर्वक चलता है ताकि आवाज ना आए। टू कैच द बटरफ्लाई, क्यों चलता है वो धीरे और साइलेंटली, किस लिए, कि वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता है, उस तितली को पकड़ने के लिए वो स्लोली एंड साइलेंटली चलता है। ही केम क्लोजर, क्लोजर मतलब होता है नज़दीक, क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, वो पास पास और पास पहुंचता है, बट देन लेकिन तब तक, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, तितली उड़ जाती है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, फिर वो सोचता है कि वेयर डिड बटरफ्लाई गो, तितली कहाँ चली गई। नियर द गार्डन वाज ए पॉन्ड, जो सोनू का बगीचा था उसके पास में ही एक पॉन्ड था, पॉन्ड मतलब तालाब था। इन द पॉन्ड वाज ए वाइट लोटस, उस तालाब में क्या था, एक वाइट सफ़ेद कलर का लोटस मतलब कमल का फूल था। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स, और उसके चारों ओर क्या हुए थे, उसके जो पत्ते थे, लोटस के पत्ते थे, वो पत्ते कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, तो क्या थे उसके चारों तरफ वो गोल दिया ना, राउंड लीव्स, गोल पत्ते उसके चारों तरफ थे। दे फ्लोटेड इन द वाटर, और वो क्या कर रहे थे, वो तैर रहे थे, ठीक है, जो लोटस था उसके चारों तरफ जो उसके पत्ते थे वो तैरते थे उसके चारों तरफ पानी में। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीफ, तो जो वो फ्लोटिंग लीफ थे, जो तैरते हुए पत्ते थे, तितली उस पर जाके सेल्ड करने लगी। सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वाटर, स्प्लैश मतलब होता है छपाक से, ठीक है, तो सोनू छपाक से उस पानी में कूदा। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, लेकिन फिर तितली उड़ गई। वेयर वॉज इट, अब वो कहाँ थी। सोनू लुकड अप, सोनू ऊपर देखता है, ठीक है, सोनू लुकड डाउन, फिर वो नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज ए पीच ट्री, लेकिन जो वॉल था, जो दीवार था, उसके पास क्या था, एक पीच ट्री था, पीच मतलब आड़ू का पेड़ था। इट हैड पिंक फ्लावर, और उस पर क्या थे, पिंक फ्लावर थे, मतलब गुलाबी रंग के फूल थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रीटी फ्लावर, और बटरफ्लाई क्या की कि उस पर जाके बैठ गई, किस पे, प्रीटी फ्लावर पे, जो पिंक कलर का फ्लावर था पीच के पेड़ पे, उस पर जाके बैठ गई। आई कैन कैच यू, सोनू बोलता है, शाउटेड सोनू, सोनू चिल्लाता है, आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और वो क्या किया कि क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, कहाँ, अप द ट्री, पेड़ पे। अप अप ही क्लाइम्ड, बट वो ऊपर और ऊपर चढ़ा, लेकिन बैक इट फ्लू, लेकिन वो फिर उड़ गई, और किधर आ गई, बैक डाउन फ्रॉम द ट्री, और वो पेड़ से फिर से नीचे आ गई। सोनू जम्प्ड डाउन, सोनू कूदा, टू मतलब सोनू भी कूद गया। ही चेज द बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई का क्या किया, पीछा किया। ही चेज द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज, रोज मतलब क्या होता है, गुलाब, तो गुलाब से, टू द लोटस, लोटस तक मतलब कमल तक, एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, वो कहाँ से कहाँ तक पीछा किया, फ्रॉम द रोज टू लोटस, गुलाब से रोज, अरे हाँ, गुलाब से कमल तक, फिर पीच के पेड़ तक, लेकिन ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वह तितली को नहीं पकड़ सका। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, लेकिन अब वह सोनू जो है कि उसे देख नहीं पा रहा था कि कहाँ गई। ही लुकड एवरीवेयर, वो हर जगह देखा। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, एट लास्ट अंततः वह देखा, क्या देखा, तितली को। देर वॉज ए बिग स्पाइडर्स वेव इन द पीच ट्री, जो पीच का पेड़ था उसमें एक बड़ा सा स्पाइडर का वेव था, वेव मतलब होता है जाल, आप देखेंगे मकड़ी का जाल जो होता है, ये उसी की बात कर रहा है। द बटरफ्लाई वॉज कॉच इन द स्पाइडर्स वेव, और जो तितली थी वो कॉच मतलब पकड़ी जा चुकी थी उसमें, या यूं कह लें कि वो फंस गई थी उसमें, फंस चुकी थी किसमें, स्पाइडर के वेब में, उस मकड़ी के जाल में। ही लुकड सैड एट इट ट्राई टू स्केप,
कह रहा है कि वह दुखी दिख रही थी, वह ही लुक्ड सैड, वह दुखी दिख रही थी एज इट ट्राई टू एस्केप, और वो क्या कोशिश कर रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। इट फ्लटर्ड इट विंग्स, वो अपने विंग्स को मतलब जो उसके पंख थे उसको फ्लटर्ड कर रही थी। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना, मतलब तेजी से हिला रही थी ताकि वो छूट जाए। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, उसने ट्विस्ट किया और टर्न भी किया, बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वह बच नहीं सकी। मतलब वो बच नहीं सकी का मतलब ये है कि वो उसमें से निकल नहीं सकी। उसने ट्विस्ट भी किया, टर्न भी किया, ठीक है, मतलब मोड़ा मारा खुद को, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं सकी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, और एक चीज़ इसमें होता है कि अगर कोई भी स्पाइडर के वेब में फंस जाता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा उसमें फंस जाता है, वो जितना हिलता है वो उसे उतना ही जकड़ता जाता है। तो उसी तरह ये इसमें भी जो क्या बोलते हैं कि बटरफ्लाई है, द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट, होल्ड से हेल्ड बना है, उसे क्या किया था, स्पाइडर का जो वेब था, जो मकड़ी का जाल था, वो उसे तेजी से पकड़ लिया था, टाइटली पकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडिल ऑफ द वेब वाज ए बिग स्पाइडर, अब क्या था कि मिडिल मतलब जो जाल था उसके बीच में एक बिग, वाज ए बिग स्पाइडर, एक बड़ा स्पाइडर था। इट लुक्ड हैंग्री, और वो कैसा दिख रहा था, वो भूखा दिख रहा था, वो हंग्री दिख रहा था। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो क्या चाहता था, तितली को पकड़ना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर, क्राउल्ड, क्राउल्ड मतलब रेंग कर, ठीक है। द ब्लैक स्पाइडर, जो ब्लैक स्पाइडर था, जो वो स्पाइडर था, वो रेंग करके उसके पास आ रहा था, या क्लोजर एंड क्लोजर क्राउल्ड, वो चल के आ गया था, ठीक है, उसके पास तितली के। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, ठीक है, बिफोर द हंग्री, जो हंग्री स्पाइडर था वो उसे पकड़ लेता उससे पहले। सोनू रैन एंड ही कॉच द बटरफ्लाई, सोनू दौड़ा और क्या किया, कॉच मतलब पकड़ लिया किसको, बटरफ्लाई को। सोनू ने दौड़ के उसको पकड़ लिया, मतलब बचा लिया। इट वॉज सो प्रीटी, अब तो सोनू पकड़ लिया उसे, तो वो देखता क्या है कि इट वॉज सो प्रीटी, वो बहुत ही अच्छी थी या बहुत ही खूबसूरत थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके जो पीले कलर के पंख थे उस पर क्या था, ब्राउन कलर के स्पॉट थे, धब्बे कह लीजिए या दागनुमा बना था, तो वो भूले कलर के उस पर दाग बने थे ब्राउन कलर के। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू क्या, सोनू उस छोटी तितली को बहुत प्यार करता था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वो जो तितली थी वो सोनू के हाथ में क्या लग रही थी, बहुत दुखी दिख रही थी, सैड दिख रही थी। सोनू वांटेड टू बी हैप्पी, सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसे खुश चाह, उसकी खुशी चाहता था या उसे खुश खुश देखना चाहता था, वो चाहता था सोनू कि वो दुखी ना रहे, खुश रहे। गो, जाओ, सेड सोनू, फ्लाई अवे, सोनू कहा जाओ, और वो ऐसे करके क्या करता है, छोड़ देता है और वो उड़ जाती है, फ्लाई अवे। सोनू कहता है गो, सेड सोनू कह के, और फ्लाई अवे, जाओ उड़ जाओ, ऐसे बोलता है सोनू। ही लेट द बटरफ्लाई गो, और वो क्या करता है, तितली को जाने देता है। इट सैड सैट ऑन द रेड रोज, वो क्या करती है कि रेड रोज पे जाके बैठ जाती है। इट फ्लू टू द स्पीच टू द पीच ट्री, वो क्या करती है, फिर उस पीच ट्री पे उड़ के जाती है। देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, और फिर उसके बाद लोटस जो कमल की पत्तियाँ होती हैं उस पर जाती है, उस पर सेल्ड करती है। इट फ्लू मेरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और वो एक फूल से दूसरे फूल पे खुशी खुशी जाती है। सोनू वाज्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू उसे देखता है क्या, वो उड़ रही थी, कंस्टेंटली वो उड़ ही रही थी, या कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बोल रहा है ना इसमें कि इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन लोटस ट्री। इट फ्लू मेरेली, इट फ्लू मेरेली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सोनू जो है उसे क्या देखता है, कंस्टेंटली उड़ते हुए ही देखता है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनू गार्डन, और जो बटरफ्लाई थी वो क्या करती है,
फ्ली उड़ती है ऑल अराउंड, वो चारों तरफ पूरे चारों तरफ सोनू के गार्डन में उड़ती है, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और वो हैप्पी खुश रहती है और फ्री वंस अगेन, और वो एक बार पुनः फ्री रहती है। मतलब सोनू पकड़ लिया था ना तो उसको फ्री कर देता। इस जो है स्टोरी को लिखी है नीलिमा सिन्हा। न्यू वर्ड्स है एस्केप, एस्केप मतलब बचना, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, पीच, पीच मतलब आड़ू, बताया ही है ये एक पेड़ है, इसको आप एक पेड़ और ट्री भी बोल सकते हैं, क्लाइंब चढ़ना, कैच पकड़ना, मिडिल बीच में, हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, फ्लोट तैरना, साउट चिल्लाना, चेज पीछा करना, फ्लटर, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, एंड ट्विस्ट। रीडिंग इज फन, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, हम एक पीडीएफ के थ्रू हम इसका इसे करवाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को, सारे एक्सरसाइज को। इसमें एक है थर्ड नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है सेज दिस सेंटेंस अलाउड, इन्हें तेज तेज बोलिए। तो क्या होता है, अच्छा मैंने ट्विस्ट का मीनिंग नहीं बताया क्या आपको? ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ना, ठीक है, सॉरी मैं भूल गया था, ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ना। ये थर्ड नंबर है, इसमें है से दीज सेंटेंसेस अलाउड, इन सेंटेंसेस को क्या करिए, तेजी से बोलिए। बटरफ्लाईज कैन फ्लाई, तितलियां उड़ सकती हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़ियां उड़ सकती हैं, काइट्स कैन फ्लाई, पतंगे उड़ सकती हैं, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, जो एरोप्लेन है वो भी उड़ सकती हैं, कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं, नो वी कांट, हम नहीं उड़ सकते हैं, वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, लेकिन हम किस में उड़ सकते हैं, एरोप्लेन में उड़ सकते हैं। और यहीं पे ये वीडियो होता है समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।